जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान स्कूल में एक कर्मचारी के फंदे वाली घटना का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। इस घटना से पहले उसने एक सबूत नुमा चिट्ठी लिखकर फेसबुक पर अपलोड की थी। इसमें लिखा था कि स्कूल में दो महिला कर्मचारी और एक युवक उसे परेशान कर रहे थे। प्रबंधन को शिकायत की तो उल्टा उसी को ही गलत ठहरा दिया था। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और सबको उठाने से भी मना कर दिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला झांसी के उन्नाव बालाजी रोड पर स्थित भानु देवी गोयल स्कूल का बताया जा रहा है। वह मृतक के पहचान दीपक सिंह चंदेल 32 वर्षीय है। वह कानपुर नगर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के तिलसड़ा गांव का रहने वाला था और 16 साल से झांसी के भानु देवी स्कूल में कार्यरत है। बताया जा रहा है कि भारद्वाज छात्रावास की किचन का वह इंचार्ज था। स्कूल कैंपस में ही वह अपनी पत्नी श्वेता और दो बच्चों के साथ यहां पर रहता था। पत्नी श्वेता ने बताया कि हॉस्टल के सर नहीं थे, इसलिए 3 दिन से पति दीपक हॉस्टल में ही रुके हुए थे। आज सुबह सास ने फोन लगाकर पति के बारे में पूछा तो हॉस्टल में गई। इसके बाद पता चला कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इस घटना के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट को दर्ज करते हुए मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर